विदिशा जिले के गंजबासुदा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नगर आगमन के बाद उन्होंने जो अनेकों घोषणाएं की थी, उन घोषणाओं और वर्तमान में कांग्रेस पार्टी के सामने किस रूप में आना चाहती है, ऐसे कई मुद्दों को लेकर पूर्व विधायक निशंक जैन ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने बेबागी से खुलकर सभी मुद्दों पर अपने विचार रखते हुए ऐसे सभी मुद्दे भी जहां पर कांग्रेस चूक गई उस पर भी उन्होंने अपने विचार तथा प्रतिक्रिया व्यक्त की। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, विकास की वास्तविक हकीकत क्या है, इन सारे मुद्दों पर उन्होंने बेबाकी के साथ चर्चा की। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाए हैं कि विदिशा जिले में 16 से अधिक घोषणाएं अधूरी है। पोस्टर वार पर उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है। अतिथि विद्वानों तथा अतिथि शिक्षकों को नियमित किए जाने के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने अतिथि विद्वानों तथा अतिथि शिक्षकों को नियमित करने की फाइल चला दी थी, लेकिन सरकार गिर गई तथा यह कार्य नहीं हो सका। भविष्य में कांग्रेस की सरकार बनती है तो अतिथि विद्वानों और शिक्षकों को प्राथमिकता के साथ नियमित किया जाएगा। विदिशा से आशीष सहले की रिपोर्ट। सिंचाई योजनाएं, रिंग रोड, अस्पताल, शिक्षा, केवंदा कॉलेज, केवंदा का अस्पताल, ग्यारसपुर कॉलेज, ग्यारसपुर का अस्पताल, नगरपालिका के चुनाव में, पिछले चुनाव में वो तो पेरिस जैसी सिटी विदिशा और वासुदा को बनाने का उनका एक ऑटो घूमा था, और ऑटो में दिनभर शिवराज जी की कैसेट चलती थी। यदि वही कैसेट शिवराज जी पूरा कर लें तो निश्चित तौर पर धूल मुक्त वासुदा, हरा भरा वासुदा, सुंदर वासुदा, ये सब चीजें यदि शिवराज जी खुद की कैसेट और खुद के ही भाषण सुन लें तो मैं समझता हूँ उनको भी महाकाल के मंदिर से जुड़ी है। मैं तो कहना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी, क्या इसको भी आप उज्जैन जैसा भ्रष्टाचार का एक नए नजरिए से आप काम करना चाहते हैं? कहीं हमें ऐसा ना हो कि पहली बात तो झूठी घोषणा और कहीं इन्होंने वैसा कुछ करने का प्रयास किया तो उज्जैन की जनता तो सड़क पे नहीं उतरी, गंज वासुदा क्षेत्र की जनता मूर्ति बने, हम स्वागत करेंगे, मगर गुणवत्ता की बने। और इसमें इन्होंने भ्रष्टाचार का भी अवसर ढूंढा, क्योंकि मुख्यमंत्री जी तो भ्रष्टाचार का अवसर ढूंढने के लिए फेमस है। नर्मदा जी में पेड़ लगाए 6 करोड़, एक भी पेड़ नहीं है। हेलीकॉप्टर से सर्वे इसलिए कराया गया कि अब कहां से रेत का अवैध उत्खनन हो सकता है। तो कहीं इन्होंने एक और अवसर ढूंढा हो तो इस संबंध में तो मैं अच्छे से बता। सर, ओल्ड पेंशनर्स के बारे में आपकी क्या घोषणाएं अभी तक अधूरी पड़ी है, चाहे सिंचाई योजना की बात करें, जब मैं विधायक था मैंने खुद मुख्यमंत्री जी को कई बार नगर विकास के पत्र दिए थे। उन्होंने 175 बिस्तर के अस्पताल की घोषणा की तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि गंज वासुदा का सिविल अस्पताल में अधिकतर पद रिक्त पड़े हैं, और एक भरा हुआ हो स्पेशलिस्ट का, 22 डॉक्टरों के पदों और 8 या 6 काम कर रहे हैं। वो समझ में आता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी आपकी कथनी और करनी में कितना अंतर है। माननीय पत्रकार भाइयों को मेरा नमस्कार। साथियों, विगत दिनों प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी गंज वासुदा आए और मंच से उन्होंने तमाम घोषणाएं की। आपके माध्यम से, आपके चैनल, आपके समाचार पत्रों के माध्यम से मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने विगत चुनावों में, चाहे विधानसभा चुनाव की बात करें चाहे नगरपालिका चुनाव की बात करें, जो आपने घोषणाएं की थी, कभी उन घोषणाओं को भी पलट के देख लें, जवाब नहीं दिया। और भाजपा के नेता, चाहे वो हमारे विधायक हो, सांसद हो, किसी भी पद को धारित करते हो,
आज तक उन्होंने गोल मोल जवाब ही दिया है। किसी भी तरह की यदि उन्होंने राशि स्वीकृत की है तो वो राशि का स्वीकृति पत्र आपके माध्यम से जनता को बताएं। क्या भूमि अधिग्रहण हो गया? भूमि अधिग्रहण हो गया तो मुआवजा दिया क्या? क्या पूरी सरकारी जमीन पर वो रिंग रोड बनेगा? इस संबंध में वो अपनी स्थिति स्पष्ट करें, नहीं तो इस क्षेत्र की जनता को गुमराह करना बंद करें। भाजपा नेताओं की घोषणा थी कि हम त्यौंदा और ग्यारसपुर में महाविद्यालय खोलेंगे और ग्यारसपुर को नगर पंचायत का दर्जा देंगे, मगर जो घोषणाएं पहले जैसी झूठी घोषणाएं साबित हुई है। अब हम बात करें खेल की। इतना बड़ा नगर कोई स्टेडियम नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।